नमस्कार, मैं धनंजय कुमार, आपका अपना यूट्यूब चैनल भोजपुरी गंगा में स्वागत है। आज मैं आप सभी को बताने वाला हूँ भोजपुरी के दबंग सुपरस्टार खेसारी लाल यादव जी की फिल्म लिट्टी चोखा के बारे में। खेसारी लाल यादव जी की फिल्म लिट्टी चोखा 9 अप्रैल को सिनेमाघर में रिलीज होने वाली थी। इसी के बारे में आप सभी को बहुत ही बड़ी जानकारी देने वाला हूँ इस वीडियो में। हाँ तो दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहे। जो लोग मेरे चैनल को भी तो सब्सक्राइब नहीं किए वो लोग कर लें, क्योंकि हमारे चैनल पर भोजपुरी का हर खबर सबसे पहले आता है। इससे पहले आप सभी को बता देना चाहता हूँ खेसारी लाल यादव जी की फिल्म लिट्टी चोखा के बारे में। लिट्टी चोखा फिल्म के निर्माता है प्रदीप के शर्मा और इस फिल्म को डायरेक्ट किए हैं पराग पाटिल जो कि भोजपुरी इंडस्ट्री में कई बड़ी हिट फिल्में दे चुके हैं। जैसे मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ संघर्ष, मगर अब उससे भी शानदार और दमदार फिल्म लेकर आ रहे हैं भोजपुरी के दबंग सुपरस्टार खेसारी लाल यादव जी के साथ, जिस फिल्म का नाम है लिट्टी चोखा। लिट्टी चोखा फिल्म के स्टार कास्ट में नजर आएंगे भोजपुरी के दबंग सुपरस्टार खेसारी लाल यादव और काजल राघवानी। वहीं इस फिल्म के अन्य कलाकारों की बात करें तो मनोज टाइगर जैसे कई बड़े कलाकार इस फिल्म में नजर आने वाले हैं। और इस फिल्म के गाने का बात करें तो इस फिल्म में भोजपुरी के दबंग सुपरस्टार खेसारी लाल यादव जी के सभी गाने बहुत ही जबरदस्त और महंगे बजट के वीडियो गाने हैं, जो कि आप लोग इस फिल्म के ट्रेलर में देखे होंगे। हाँ तो चलिए दोस्तों, आप सभी को बता देना चाहता हूँ खेसारी लाल यादव जी की फिल्म लिट्टी चोखा 9 अप्रैल को आप लोगों के नजदीकी सिनेमाघर में रिलीज होने वाली थी। मगर खेसारी लाल यादव जी की फिल्म लिट्टी चोखा को 9 अप्रैल को इसलिए नहीं रिलीज किया गया क्योंकि खेसारी लाल यादव जी की फिल्म सैया अरब के लिए नए फिल्म दूसरा सप्ताह में बहुत ही शानदार चल रही है और कलेक्शन भी अच्छा कर रही है। मगर अब मीडिया रिपोर्ट के माध्यम से बताया जा रहा है कि खेसारी लाल यादव जी की फिल्म लिट्टी चोखा को अगले सप्ताह में रिलीज किया जाएगा आप लोगों के नजदीकी सिनेमाघर में। और दोस्तों, भोजपुरी के दबंग सुपरस्टार खेसारी लाल यादव जी का वीडियो पसंद आया तो ज्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।